दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम आ रहा है। बार बार बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर माइनर जो है यहाँ पर ये वाला जो सिलेक्ट ही नहीं होता, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से ये हो रहा है, जब से शुरुआत हुआ है। 25 तारीख से जब शुरुआत हुआ है तब से ये टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, अभी तक शुरुआत सुधार भी नहीं हुआ है। और ये कॉमर्स वालों का ज़्यादातर हो रहा है, साइंस आर्ट्स वाले को अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो बच्चे बीकॉम में नाम लिखवाना चाह रहे हैं बीकॉम में, उन बच्चों का बार बार टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बेगूसराय मैंने किया है, बेगूसराय RBS कॉलेज TI पे किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। एक बार ऑप्शन अगर हम लोग मार्केटिंग यहाँ डाल देते हैं, उसके बाद कुछ भी क्लिक ही नहीं होता है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, सब्जेक्ट का ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं आ रहा है। चलिए, आपको लेकर चलते हैं सीधा LNMU पर, आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाना है LNMU, यहाँ पर सर्च करना है LNMU। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सर्च कर दिया है। उसके बाद हम लोग को जाना है सीधा एडमिशन वाले होम पर, एडमिशन वाले सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर एडमिशन वाला सेक्शन में चले गए और यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ, थोड़ा सा ये खुलने में थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद एक पेज खुलेगा हमारा, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। और बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, कॉमर्स वाले में ज़्यादातर आ रहा है। जो भी बच्चे कॉमर्स करा रहे हैं उनका कोई भी, जो भी बच्चे कॉमर्स में कराना चाहते हैं एडमिशन, उनका सही से हो ही नहीं रहा है। टेक्निकल फॉल्ट बता रहा है बार बार, सब्जेक्ट ना हो रहा है ना तो पेमेंट भी सही से हो रहा है। दोस्तों, यहाँ जाने के बाद हम लोग को इस पर क्लिक करना है, एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, साइनअप करना है। हम लोग को क्या करना है, साइनअप। तो सबसे पहले साइनअप करते हैं, साइनअप कर लेंगे ये सब दोस्तों, भरने का जो भी भर लेंगे, ये भी जो जो भरने का है वो भर लेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो जो भरने का है वो पहले भर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। साइनअप पे जाना है, साइनअप करने के बाद जो भी भरने का है सारा चीज़ हम लोग को भर लेंगे और उसके बाद हम आपको आगे देखे चलते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जब आप साइनअप कर लेंगे तो आपको जाना है यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग को लॉगिन करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। अब दोस्तों, हम लोग को यहाँ पर लॉगिन करना है, अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है। मैं अपना एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, थोड़ा सा डाल देता हूँ एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी मैं डाल देता हूँ, उसके बाद 23 37। दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन आईडी डाल दिया और साथ साथ यहाँ पर पासवर्ड भी डाल दिया है और मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। अब लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर, चलते हैं सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, इस डेस्कटॉप पर आ जाना है। जब आप यहाँ पर कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर दिक्कत होती है, जब आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो, कॉलेज नेम सेलेक्ट करते हो, वहाँ तक ठीक रहता है। जैसे आप माइनर सेलेक्ट करते हो कॉमर्स वालों का, तो यहाँ पर केवल व केवल एक ही सब्जेक्ट दिखाता है मार्केटिंग, ठीक है। केवल व केवल एक ही सब्जेक्ट दिखाता है मार्केटिंग, जिससे आपका प्रॉब्लम हो रहा है और नहीं, उसका निवारण अभी तक नहीं किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये खाली रह जाता है और ये सब अगर भरा भी जाता है ये सब बाय चांस, तो एक ये खाली हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफॉल्ट है, ठीक है। और गलती से अगर आप ये भर देते हो, ये चीज़ मार्केटिंग भर देते हो, तो ये सब भराएगा ही नहीं। तो ये सब टेक्निकल डिफॉल्ट अभी तक अभी कोई सुधार नहीं हुआ है और LNMU की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। इतना दिन हो चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अभी समय रखिए, टाइम लगेगा, 8 जून तक आप लोग समय रखिए, 8 जून के अंदर अंदर कर लीजिएगा। जैसा होगा उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं, कोई भी टेक्निकल डिफॉल्ट सही नहीं होगा, तो आप लोग इसी में पेमेंट कर दीजिएगा। यहीं पर आप जाकर, यहाँ पर आप जाकर सेव एंड नेक्स्ट पर जाकर, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जाकर आप पेमेंट कर दीजिएगा और बात ख़त्म कीजिएगा यहीं तक, और अपने कॉलेज से थोड़ा पता कर लीजिएगा ताकि आपको इसका कुछ निवारण हो सके। थैंक यू।